हुसैन मेरे साथ शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यू नॉस्टैल्जिया। और गाइस इस हफ्ते हम ऐसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आप ही लोगों ने हमको सजेस्ट करी है। और इस हफ्ते हम रिव्यू करने जा रहे हैं जी सिनेमा की लाडली नायक फिल्म का रिव्यू। अगर मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में देखना है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब अभी के अभी। नायक फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं और गाइस आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है कोई बात नहीं, दिल्ली में ये हो ही रहा है। मतलब ये पहली पिक्चर है कि जो फिल्म पहले रिलीज हो गई और फिर उस पर बेस्ड कोई आदमी रियल लाइफ जीने लग गया। मनीष जी हाँ, मुझे लगता है एक दिन हम भी सीएम बनेंगे। अनिल की भी मूछे हैं और मेरी भी मूछे हैं, बढ़िया लग रहा है मेरे को सीन अपना। अबे चल साले तू बन, तेरे को जो बनना है। मैं जा रहा हूँ आज गाजियाबाद फेस्ट में भाई, तेरे भाई आज सारी लड़के ना फ्लैट कर दी, नाम बदल दिया मेरा। ये फेस्ट ही तो स्कैम है जी, हमें इसे एक्सपोज करना पड़ेगा। सेटिंग रहती है लड़के लड़कियों की, सब मिले हुए हैं, हम बाहर वालों का कोई चांस नहीं है। अबे जानता नहीं मैं कौन हूँ साले, हैंडसम सिसोदिया नाम है मेरा। तू देख आज नहीं वापस आया ना, नाम बदल दियो मेरा। नहीं मनीष जी आप भटक रहे हैं, मुझे तो एक दिन सीएम ही बनना है। एक तो ये अन्ना जी क्यों मिस कॉल मार रहे हैं। नमस्ते अन्ना जी। अरे आप 7-7 दिन भूखे रहेंगे तो गैस तो बनेगी। चूर चूर नान भिजवा रहा हूँ आपके लिए, खा लीजिएगा। हाँ अरे अमृतसरी से ही भिजवा रहा हूँ। ठीक तू जा मनीष जा, तेरे को सीएम ना बनके दिखाया ना एक दिन ऐसा, तो पता क्या हारेगा साला। ये बनेगा सीएम, तेरे को 4 लोगों ने वोट दे दिए ना साले, बाल मुंडवा लूंगा मैं अपने। एनीवे गाइस इस हफ्ते हमने देखी नायक एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि भाई बक्सी तो है पिक्चर, बक्सी तो है पिक्चर, मजा भर के है, मजा तो आता, मजा तो आता। वो ये वही है गदर वाले तो उनकी है बस, वाह एकदम की हाँ। देखो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, सब लोग मुझे काम का डांट रहे हैं। तो फिल्म के लीड रोल में है अनिल कपूर जो कि प्ले करते हैं एक जर्नलिस्ट टर्न्ड चीफ मिनिस्टर। उनके कैरेक्टर का नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। बेसिकली मुंबई की छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक जगह रिपोर्टिंग करते हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सीएम का इंटरव्यू लेने की। जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। और इतना नकली कैरेक्टर दिखाया कि ये सब ना पूछ के चीफ मिनिस्टर से कि आम कैसे खाते हो बटुआ रखते हो कविता लिखते हो, वो पूछते हैं कि आपने जो पोल प्रॉमिसेस किए थे इसमें से कितने पूरे किए हैं। एक तो है उनके मिजाज में। उसके अलावा फिल्म में है अमरीश पुरी जो कि प्ले करते हैं सीएम बलराज सिंह चौहान का कैरेक्टर। बलराज सिंह चौहान मुंबई महाराष्ट्र के सीएम है और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ऐसी कि वो खेती बाड़ी करते थे और अब उल्टी सीधी हरकतें करके बन गए सीएम। एक लड़ाई झगड़ा होता है बॉम्बे में, वो कहते हैं 2-4 बसें जलती हैं तो जलने दो, 2-4 लोग मरते हैं तो मरने दो, कुछ दिन बोलेंगे अपने आप चुप हो जाएंगे। ये जेएनयू में जब अभी ये फसाद हुआ तो मुझे डेजा वू हो गया। हाँ कि 2-4 बच्चे पिटते हैं तो पिटने दो, 2-4 दिन बोलेंगे फिर ये भी पिट जाएंगे, नहीं फिर कोरोना आ जाएगा सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। उसके अलावा फिल्म में है रानी मुखर्जी जो कि प्ले करते हैं मंजरी का कैरेक्टर। मंजरी का मतलब कुछ दिखाया नहीं है कि स्कूल गई नहीं गई, बातें करती रहती है। हाँ, कुछ भी मैं तेरी छिपकली। तो रानी मुखर्जी के कैरेक्टर में ना कुछ डेप्थ है ना कुछ है, बस गांव की लड़की है। इसके अलावा फिल्म के अंदर है शिवाजी सातम यानी कि अपने एसीपी प्रद्युमन और वो भी बैक टू बैक दूसरी फिल्म के अंदर बने लड़की के बाप। मैं कांग्रेस नहीं हूँ। जो मंजरी के बाप है वो ऐसे ऑफ है, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अबे मैं सरकारी नौकरी देगा तो सीएम ही। सीएम क्या कॉन्ट्रैक्ट पे है? सीएम प्राइवेट है क्या? कैड़ा डायलॉग मारा है क्या कि मैं तुम्हें कुंवारी देख सकता हूँ विधवा नहीं? यही सोचने लगे ना सब लोग। हाँ चलिए फिर टिंडर बम्बल लोगों का। मंजरी ये क्या दिन भर तुम मोबाइल में लगी रहती हो, क्या चला रही हो? अरे पापा बोर हो रही तो एक दो डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ली, व्हाट्स द बिग डील। मंजरी मैं तुम्हें वर्जिन देख सकता हूँ लेकिन बॉयज के साथ नहीं। बड़े बा मंजरी रात को 8 बजे कहाँ जा रही हो? अरे डैड आई एम ट्राइंग स्टैंड अप कॉमेडी, तो एक ओपन माइक है वहाँ जा रही हूँ कुछ स्टैंड अप करने। मंजरी मैं तुम्हें अनएम्प्लॉयड देख सकता हूँ लेकिन जोक मार के पिटते हुए नहीं। बड़े बा मंजरी ये क्या नायका से दिन भर तुम्हारे ऑर्डर आते रहते हैं, क्या मंगाया है? अरे नथिंग डैड, कुछ एक फेयरनेस क्रीम ऑर्डर करी थी, व्हाट इज द बिग डील। मैं तुम्हें ग्लो एंड लवली के लिए पैसे दे सकता हूँ, फेयर एंड लवली के लिए नहीं। व्हाटएवर मंजरी का व्हाटएवर सही है, व्हाटएवर। इसके अलावा फिल्म में परेश रावल जो कि प्ले करते हैं चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कैरेक्टर। कैसे चीफ सेक्रेटरी हो तुम, पहले बताना था ना इडियट। और वही आग लगाते हैं अनिल कपूर को कि चल 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 तेरे को सीएम बनाता हूँ। इसके अलावा फिल्म के अंदर है सौरभ शुक्ला जो कि बने हैं बलराज चौहान के
राइट हैंड ही बोल सकते हैं, बाकी पता ही आपको किसके क्या बने। और उनकी भाई खुली गुंडागर्दी चलती है कि अपने दादा सीएम है तो आप रखेंगे पूरी स्टेट की, क्या दिक्कत है। जिसमें चप्पल वजह उसके पता है लेजिट सीन है, जहां जहां भी उसने दंगे फसाद किए ना, वो जो फीमेल रिपोर्टर है भाई उसकी तो इज्जत की नहीं है, ले लेके धक्के ही मारे हैं उसमें। और उस वक्त के हिसाब से जो कि एक विदूषक के कैरेक्टर हर फिल्म में होते थे, हाँ। इस फिल्म में विदूषक थे जॉनी लीवर जो कि प्ले करते कैमरामैन का कैरेक्टर। समहाउ इट हैड अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग पास्ड ऑफ एज ह्यूमर बैक देन, कि जब भी उनकी कोई कवर पे उंगली लगा देता था वो कहते थे जावे छक्के ये, मतलब। और ये एक दो बार दिखा दो उसको बहुत ओवर किल किया यार जोक को, हाँ मतलब बचपन में चलता था 2001 में तो चलो हाँ, बट अब तो जितनी इस चीज के लिए सेंसिटिविटी आई है आई थिंक हाउसफुल 4 को छोड़ के सबने इसमें सुधार किया है। हाँ तो ट्रांस कैरेक्टर्स आर ऑलवेज अ जोक इन बॉलीवुड, या आई होप इट चेंजेस वेरी सून। फिल्म की कहानी शुरू होती है सबसे पहले जहां पे एक चैनल है क्यू टीवी नाम का। अब इस चैनल के अंदर नॉर्मल जर्नलिज्म वाली चीजें तो होती है, साथ ही साथ ही म्यूजिक वीडियो भी बनाते हैं। शकला का बेबी है, शकला का, और शकला का बेबी वाले वीडियो में है सुष्मिता सेन और अहमद खान। भाई अहमद खान जब तू ये सब कर ही लेता था तो यही सब करता है, हाउसफुल और ये आगी थ्री में घुसने की क्या जरूरत थी। वहां अच्छा खासा नैन मटक्के किए हैं उसने, वहां से नैन मटक्के किए, वहां से प्लेन लिया सीधा आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगरा इंटरनेशनल क्या बढ़ाऊंगा, बागी थ्री यार एक मुझे बिलीव नहीं होता की आगरा एयरपोर्ट पे आगे भैया जरा दो टिकट काट दे सीरिया जाना है भैया। उनका चैनल भी ऐसा ठीक है, उनके चैनल पे कोई आके ऐसे एंकर को भड़वा दलाल बोल के नहीं जाता, सब लोग वहाँ मर्यादा रखते हैं पलट के दो शब्द नहीं कहते। अभी कल तो कुणाल कामरा ने वीडियो डाला हार्दिक के ऐड का, थोड़ी मर्यादा रखिए। अक्षय कुमार का नया ऐड है हार्दिक का कि जहाँ पे घर जाके वो टॉयलेट साफ करने जाता है। तरक्की तो भाई हार्दिक ने किया, हुसैन से सीधा अमन वर्मा से हुसैन, हुसैन से अक्षय कुमार। ऐड में इतने लोग होते हैं वो पूछते हैं आप कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करते, महंगा वाला। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते, महंगा वाला। कौन है जो महंगे वाले सामान इस्तेमाल करते हैं, हम तो वो देखते हैं 40% का, चार कीड़े रह जाए पैसे कम लगे। हाँ भाई मेरे यहाँ तो टमाटर सॉस खत्म हो जाता है ना, हाँ? तो पापा कहते हैं पानी भरो इसमें, हिलाओ। और जो लोग महंगा वाला टूथपेस्ट खरीदते हैं वो क्लोजअप खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा। सोचो अंबानी मिसवाक लगाता होगा कि पेप्सोडेंट ले आओ बहन, बेगम पेप्सोडेंट ले आओ, 10 में से 9 डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। अंबानी भाई मुझे नहीं लगता कि वो टूथपेस्ट करता होगा, वो हर दिन नए सेट ऑफ टीथ पहनता होगा। ये फेंक दो अभी, बेकार हो गए। ओ भाई हमारी तरह थोड़ी बहन बना के खा रहे गालू भुजिया डाल के, मम्मी नींबू का मैं इसमें। जियो का मालिक है वो बहन, जियो भाई पूरे देश का मालिक है। गूगल से हो गई डील जियो की 35,000 करोड़ की। एक भाई हर आम आदमी को इंटरनेट एक्सेस दे रहा है और चाइना के हुआवे को पछाड़ रहा है, और छोटे वाले ने उनका लोन नहीं दिया। कह रहा जाओ चाइना की CKMK भी कर दिया, CKMK भी किया अंबानी ने। गाना वाना शूट करके शायद वापस ही आ रहे होते हैं, तब ये देखते हैं कि रास्ते में हो गया चक्का जाम। क्योंकि स्टूडेंट वर्सेस ड्राइवर, भाई साहब ऐसी भयंकर लड़ाई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आदमी कहीं से आके सीएम बन गया। ये मैंने कहा भाई और भी कोई कोरोना का भी कुछ रेफरेंस है क्या उसमें? ये शंकर साहब ही हैं असली नॉस्ट्राडेमस, जो पिक्चर के राइटर डायरेक्टर। सही बात है भाई, प्रणाम आपको शंकर साहब। अनिल कपूर वहां पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग उनकी रिपोर्टिंग ऐसे होती है कि वो फट जाती है पूरी, जो आजकल वायरल होता है वैसे उनकी वीडियो रिपोर्ट वायरल हो जाती है। तो उनका बॉस कहता है आज से वैसे नहीं, वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। एक जो स्टूडेंट मरा हुआ बेचारा बेहोश पड़ा होता है उसको कंधे पे उठा के, और बच्चा भी कह रहा है अब तक तो मेरा एग्जाम शुरू हो गया होगा। अबे भाई वो इतना बड़ा नर्ड दिखाया कि वहां ये नहीं। और सोचो वो सेम बच्चा जो इतना पढ़ाकू भी है, आज तक आपने देखा पढ़ाकू और लड़ाकू सेम बच्चे को होते हुए? पढ़ाकू होते हैं, लड़ाकू होते हैं। अब भाई देखो जो लड़ाई कर रहा है, ओनली पढ़ाकू लड़ाकू इज केजरीवाल। IIT भी निकाल दिया, लड़ाई झगड़ा भी तेरी की। दंगे में सीन दिखाए जाते हैं कि जहाँ पे पब्लिक दुकानें लूट रही है, एक आदमी दो दो टीवी लेके जा रहा है और उससे पूछते हैं कि दो टीवी किसके लिए लेके जा रहा है, घरवाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए, कह रहा है एक साली के लिए भी ले जा, क्या करूं साहब दो ही हाथ है ना। और इसका डेजावू कब होता है? ब्लैक लाइव्स मैटर में सब चीज भाई बिल्कुल ऐसा असली प्रोडक्शन करी है नायक फिल्म ने। 2001 में बता दिया था कि कल को फ्यूचर में क्या क्या होगा, तो वहां से उनकी रिपोर्ट इतनी मशहूर हो जाती कि उनके बॉस QTV के आगे उनसे कहते हैं कि ले भाई आते तो सीनियर रिपोर्टर। और पहला इंटरव्यू किसका उसे? सीएम का। भाई साहब तू ही भड़वा, तू ही दलाल, तू ही BND। और भाई वो आके बैठते हैं अपना कप कॉफी उनकी छुट्टी है, सीएम साहब आते हैं फुल काफिले के साथ और उनको लगता है क्या ही पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, और ये भाई लेके बैठा होता है उनका पर्चा। और सीएम साहब से ऐसे सवाल पूछते हैं, इतने कर रहे सवाल पूछते हैं कि सीएम साहब हकला जाते हैं, बोला जाते हैं, पानी पी लेते हैं, और सीएम साहब वही कहते हैं दोस्ती बनी रहे अपनी, बस।
और भाई ये तो बहुत शुक्र है कि ये चीज किसी ने नहीं करी। हाँ। सोचो मोदी जी पलट के बोल दे उसको, क्या नाम है दीपक चौरसिया को, एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे भाई वो तो माँ बहन कर देगा देश की। वो भाई एक तो पहले ऑफिस आएगा वो अपने एस्ट्रोनॉट बन के। नहीं नहीं मोदी जी ये सब तो कभी नहीं करेंगे। कोई जर्नलिस्ट पीएम तो बनना छोड़ो, जर्नलिस्ट ही बन जाए वो पहले से, वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी तो बात। वहां से वो कह देते हैं तड़ी तड़ी में हाँ। कि तुम जानते हो हाँ। सीएम बनना क्या होता है, क्या होता है, जैसे कोई हमें रिव्यू की कमी निकाल रहा हो हाँ। जानते हो रिव्यू करना क्या होता एक है, एक दिन बैठोगे शुभम की कुर्सी पे। ओ भाई जैन की पे बैठा हो ना शुभम की। आप ये कब मानेंगे? कमेंट में ये सब कहना बहुत आसान है, मालूम है कितना मुश्किल होता है एक रिव्यूअर की कुर्सी पे बैठना। अरे कांटों के ताज पे बैठा हुआ हूं मैं, 12-12 घंटे जग के एक शो देखना पड़ता है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, उसके बाद आजकल जोक मारने में डर लगता है कब कौन आके स्टूडियो तोड़ जाए, मुझे पेल जाए। बताओ बनोगे एक दिन के रिव्यूअर? अरे आप जो कह रहे हैं वो बोलने के लिए बहस के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं। नहीं नहीं मेंस एक्सपीरियंस के लिए प्रावधान है। हाय गाइस मैं हूं रुस्तम, मेरे साथ है जैन, आप देख रहे हैं ओनली रिव्यू, आप देख रहे हैं ओनली रिव्यू। इस हफ्ते हमने देखा नायक मूवी। और कैसी लगी नायक मूवी? फर्स्ट क्लास। रिव्यू ओवर। बड़ा पार्टी में जाके उनकी काफी खिंचाई होती है कि ये क्या जाके बक्के आ गए, ये होता ही होगा मुझे लगता है असली में भी। बट वो कहते हैं वापस कि भाई नहीं मैं सही करके आया हूँ, एक दिन में वो कुछ नहीं कर पाएगा और मेरी इमेज बढ़ेगी। इन शॉर्ट वो कहते हैं कि मैंने मास्टर स्ट्रोक खेला है भाई। तो सबसे पहले क्या करता है भाई, आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट मंगा लेता है हाँ। कि यार जिनके खिलाफ केस है निकालो सालों को, कोई कोई कोर्ट नहीं, इनकी सबकी गाड़ियां पलटाओ। फिर जाता है भाई स्लम्स में चला जाएगा, राशन की दुकानों पर चला। मैंने कहा भाई तेरे को ट्रैफिक क्यों नहीं मिल रहा कहीं, झटपट झटपट पहुंच रहा है भाई, झटपट भाई एक दिन में पूरा बंबई घूम लिया। यहाँ लोग अंधेरी से उनको वहां आना होता है सिटी हाँ। वो फंस जाते हैं ट्रैफिक में, और एक हेल्पलाइन अलग चल रही है हाँ। ये केजरीवाल ने बस ये वाली चीज एक उल्टी की है, यहाँ पे पब्लिक केजरीवाल साहब को फोन करती है, रियल लाइफ में केजरीवाल पब्लिक को फोन हाँ। करता है। नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, कोरोना से लड़ने के लिए आपको प्लाज्मा चाहिए था जी। प्लाज्मा तो यार बिल्कुल देना चाहिए। अगेन शाउट आउट टू simplyblood.com, रजिस्टर कराएं अपने आप को एज अ प्लाज्मा डोनर। उसके अलावा वहां पर एक दिन में सीएम बनते हैं और उथल पुथल ऐसी मचा देते हैं, उस सारे डिपार्टमेंट सुधार देते हैं, पब्लिक को बोलते हैं कि हाँ आज के बाद आप जो भी खरीदे उसे बिल लेके देखो। और सोचो जनता कितनी अच्छी है, एक दिन में ही हृदय परिवर्तन, पक्का बिल देना भाई। ये ऐसी जनता तो मुझे दिखाओ, बताओ ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है आदमी को। मैं वही तो जैसे हमने पहले बताया 40 रुपए सस्ता हो रहा है तो हम जहर मिला हुआ खाना खा रहे हैं। भाई मैं फर्नीचर लेने का, फर्नीचर वाला मुझसे कह रहा है बिना बिल का 25,000 का, बिल के साथ 28,000 रुपए का। तो आप बन गए देशद्रोही फटाक है। मैंने कहा मैं रहता ही नहीं हूँ सोफा, क्योंकि 25-28 दोनों ज्यादा है मेरे लिए, लेकिन देना भी चाहिए गाइस, देना चाहिए। टैक्स तो चलो भले चाहिए भाई, टैक्स देना चाहिए। एक दिन के अंदर महाराष्ट्र का रेवेन्यू बढ़ जाता है, एक दिन के अंदर वो जिस झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनको घर दिलवा देते हैं, क्या क्या कर लेते हैं एक दिन में भाई, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देते हैं। एक तो भाई टाइपिस्ट की जॉब दे, टक 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 टक, फैक्स वैक्स सब एक दिन में पूरा महाराष्ट्र सुधार देते हैं। वो वाला सीन तो उन्होंने दिखाया नहीं है जब उस टाइपिस्ट की अगले दिन मार लगी है उसके अंदर कि तूने छापे हैं सबके साले, पहले तेरा हिसाब किताब जरा कर लिया जाए इधर। तो भाई वो मार लगाते रंगा में और हद तो तब कर देते हैं जब वो जाते हैं शाम को सीएम के ऑफिस में, कहते हैं सीएम को अरेस्ट करो, सीएम एक्स सीएम को, एक्स सीएम को अरेस्ट करो। सीएम कहता है मैं सीएम हूँ, कोई सड़क चलता हो बेवड़ा नहीं, माफ कीजिए सर इस वक्त आप सिर्फ एक आम आदमी है, सीएम मैं हूँ। भाई ऐसे रोंगटे खड़े ना मेरे, मैंने कहा ये चाहिए बंदा अपने को। और उसके बाद भाई वो ये तो सोचते नहीं कि 12 बजने के बाद तो तू सीएम रहेगा नहीं हाँ। अब 12 बज गए सीएम घर जा रहा है ऑटो से, ऑटो से नहीं आया भी ऑटो से ही था ये हाँ। केजरीवाल ने सब कुछ फॉलो किया है, ओवरसाइज टी शर्ट वाला आइडिया अपना ओरिजिनल है उनका, बस बाकी तो उन्होंने एक एक चीज फॉलो किया कि ऑटो का कर दिया वैगनार जो भी करो, जब वो वापस जा रहा हो तो तब उनमें लगती है मार मार भाई। और भाई उस सीन से मेरी आज तक रुक आती है ऑटो में बैठने से, जब भी अंडरपास से निकलता हूँ लगता है कि एक ऊपर से गाड़ी आएगी, अंडरपास से ऑटो जा रहा खचाखच। और भाई क्या तो मार लगाते हैं बेरहमी से, मारा पीटा और भाई कीचड़ में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया, फिर पेट्रोल में आग लगा दी। कीचड़ में तो तब गिरता है उसमें आग लग हाँ, जाती है वो नंगा होता है। और ये हाई बजट पिटाई थी हाँ। सोचो जहाँ आदमी पेट्रोल स्प्लेंडर में गिराने से डरता है, वहां इन्होंने सीएम साहब में आग लगाने आग लगा, और सीएम साहब नंगे हो जाते हैं, नंगे होकर गिरते कीचड़ में। अगले दिन उनका दूध से अभिषेक होता है, लोग पहचान जाते हैं कि ये तो एक दिन के सीएम, ये तो हमारे एक दिन के नायक है हाँ। भाई इतनी फैन फॉलोइंग एक दिन के अंदर मनीष पांडे की नहीं बनी थी आईपीएल में सेंचुरी मार के, तब उसको तो वो तो इसलिए नहीं बनी थी ना कि धोनी ने उसको कह दिया था हाँ।
सोचो क्या आपने क्राइम किया होगा कि आपको धोनी से गाली खानी पड़ी। इधर तो देख ले, इधर तो देख ले, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। और उन्हें कहा एक दिन में काम कर लीजिए। बलराज साहब भी भूल जाते हैं बात। हाँ बलराज साहब का भी था, बलराज साहब भी चलो ठीक है, बड़ा बड़ा दिल दिखाते हैं। हाँ बंसल उंगली कर देता है। हाँ बंसल कहता है कि भाई अब मुझे पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करना है। तो और भाई कम से कम 1-1.5 लाख की भीड़ लग जाती शिवाजी के घर के आगे। हाँ। अलग और उसमें एक सीन बहुत अच्छा दिखा है। अलग अलग पार्टी के लोग आते पैसे देने के लिए, कोई 250 खोखा, कोई 300 खोखा। और मतलब अनिल कपूर का क्या ही वो दिखाया है, मोरल कंपास की जरा भी हिलडुल नहीं रहा है। हम तो अपना डिस्कस ही करते रहते हैं कितने बिकेंगे। हम तो भाई मैं तो कहता रहता हूँ कि 100-150 करोड़ में हो जाएगा हमारा। तो साले अभी कोई बोले ना भाई चिकन टिक्का खाएगा, एक मेरी फिल्म की तारीफ कर दे, चल कहेगा भाई पिज्जा भी मंगा देते साथ में, नहीं तो कोई बात नहीं हैप्पी मील में हमारा हो जाएगा, हैप्पी मील में हमारा हो जाएगा। वहां उनके कन्विंस होने के बाद वो वापस कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा और इलेक्शन लड़ते हैं। बाकायदा उन्हें सीन दिखाए जाते हैं, वो वाली स्पीच बहुत सही है कि अगर गांधी जी भी ऐसे ही बेटा बेटा बेटी बेटी करते रहते तो आज तुम किसी अंग्रेज के घर में लैटरिन साफ कर रहे होते। और अनिल कपूर कहते हैं मैं पलट के आपको दो शब्द बोल दूं थोड़ी मर्यादा रखिए, तो मर्यादा रखिए। बट भाई वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मौका अच्छा है मैं लड़ता हूँ इलेक्शन। और मंजरी का बाप कहता चल चल अब तेरी किसी और से कर रहा हूँ शादी, ये सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, इसको तो खुद सरकार बनानी है साले को। निकलो ना, मुझे सरकारी नौकर चाहिए। और हाँ इस सब के बीच में जहाँ उनकी ये सब चल रहा है, उनकी लव लाइफ चली रही है, जहाँ पे वो बाकायदा मंजरी को स्टॉक कर रहे हैं, मंजरी को मोबाइल ला के देते हैं और बाद में झूठ बोल के भेस बदल के जाते हैं मंजरी से इश्क लड़ाने। रुकी सुखी रोटी, ओ यार एक तो इतना बुरा शॉट है ना, एक मुझे याद आ गया उसकी तोंदी पे ना पानी गिर रहा होता है, गर्दन से ऐसे गर्दन उसका स्पार्कलिंग शॉट लिया डायरेक्टर ने। नहीं वो एक्चुअली यही दिखाया कि यही शूट कर रहे हैं अपने हैंडीकैम से। मतलब भाई तो उस हैंडीकैम से इतनी फुटेज आया है तो मैं आज वापस इतिहास में जाके उसे खरीद लाऊं टाइम ट्रैवल करके। करते करते वापस इलेक्शन में लड़ते हैं और भाई जैसे कि 68 सीटें मिली थी अपने यहाँ के नायक को, 67 सीटें चलो वैसे ही बोले आते 170-190 सीटें सारे उन्हें कैंडिडेट जीत जाते हैं सारे। वो महाराष्ट्र में उनकी बन जाती है सरकार बहुमत से, भारी बहुमत से, कोई उनका ऐसे नहीं फडणवीस साहब की तरह कि शपथ ले ली और सुबह को टाटा बाय बाय बोलना पड़ रहा है। अब वो धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दे, यस बदल दो वो बदल दो ये तड़ातर तड़ातर पूरा पूरा महाराष्ट्र सुधर जाता है। और वहीं वो कहते हैं ऑपोजिशन वाले कहते हैं ऐसे कैसे बलराज चौहान साहब कहते हैं कि इस लौंडे ने, और उनको याद दिलाया जाता है ना कि साहब एक ने आपके जो है नखून मार दिया था तो आपने हाथ तोड़ दिया था, ये आपके पूरा करियर खत्म कर दे रहा है। पहले उसको सुपारी देते हैं, उसके घर की बिजली पानी बंद करते हैं। सुपारी कहाँ देते हैं? मलेशिया में। हाँ वाला सीन नहीं देखा आपने? मलेशिया में वाइड एंगल शॉट लिया जाता है, मलेशिया जाते ही एंगल वाइड क्यों जाता है ये तो मुझे समझ नहीं आता। वो क्योंकि पेट्रोनस टावर आ नहीं पाते ना फ्रेम में, वो कहते हैं भाई वाइड एंगल लगा दोनों टावर चाहिए। और भाई का शूटर जो आता है भाई वो इतना लुखा कि उस पे एक बार में निशाना लगता नहीं है। उसके बाद उनके घर पे अटैक होते हैं, उनके माँ बाप उनके घर तोड़ दिया जाता है, उनके घर में ब्लास्ट होते हैं, इसमें उसके माँ बाप मर जाते हैं। और इसकी इंटेलिजेंस की कॉल आती है बट वो ये कि क्योंकि उस टाइम पे रिलायंस जियो नहीं था तो घर के अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ पाता। और जैसे ये नेटवर्क लेने बाहर आते घर में ब्लास्ट हो जाता है, बहुत बुरा लगता है वो सीन में। वो सीन तो हाँ अब ये ज्यादा हो गया। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि यार अब तो फुल थ्रॉटल जाने की जरूरत है, अब मैं ऐसे हाफ चांसेस नहीं ले सकता। बट यही नहीं रुकते हैं, इसके बाद एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट प्लान किए जाते हैं मुंबई शहर के अंदर भी, जिसे सीएम साहब खुद जाके बचाते हैं फोर फ्रंट पे। एक ये डिफरेंस आया स्क्रिप्ट में, ये नहीं है कि नायक साहब जो है LG साहब को भी बदनाम नहीं करते थे बात बात पे कि LG मुझे काम नहीं करने दे रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। भाई उनका है कि जो नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, उनके तय करा होगा ना कि यार कुछ ज्यादा सिमिलर हो रहा है, कह रहा यार देख। हाँ। वो होता ना कि यार आंसर कॉपी कर ले सेम मत करियो। हाँ, नाम भी मेरा मत डाल। वो यही हुआ कि यार देख थोड़ा बहुत चेंज कर लेते, हम दंगे करने देते बाकी हम वैसे करेंगे ठीक। एक तो ये सीएम साहब इतने ज्यादा आत्मनिर्भर है ना कि किसी और को कुछ काम ही नहीं करने देना उन्होंने। सोचो भाई ऐसा बॉस हमारे यहाँ आ जाए कि रिव्यू खुद ही बैठ के कर रहा है, रिव्यू भी खुद बैठ के कर रहा है, पोस्ट भी खुद कर रहा है। हाँ। सब हम ही बैठे रहे। हाँ सर आज क्या कर रहे हैं? बस एंड में जा फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ये सब होता है भाई करते करते एंड में, अब इनका हो जाता है कि वो इस चीज के लिए बलराज चौहान जो है इन्हें बदनाम कर देता है कि ये खुद ही बम प्लांट कर रहा है और खुद ही पकड़ लेता है, खुद ही पकड़ लेता है। इसने अपने माँ बाप भी सिंपैथी के लिए मरवाई, यहाँ उन्हें एंड में वो क्या करता है, एंड में करता है वो बलराज सिंह चौहान का फेक इनकाउंटर, वो अपने गोली मारता है। उससे पहले बहुत लीजेंडरी डायलॉग मारता है, कहता है कि अब आज मैं ये गोली खुद को मारूंगा और तू फंसा तू फंसेगा तू। तो बलराज बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ आया हूँ ना तो सबको पता है मैं यहाँ आया हूँ, तेरे साथ अकेला बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, सबको पता है मेरा ना राजनीति में 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो अनिल कपूर कहता है सुन अगर तेरा 30 का है ना तो तुझसे लड़ते लड़ते मेरा 31 का हो गया है।
यानी कि अगर सलमान भाई 35 साल से है ना फिल्म लाइन में, हाँ। तो एक साल से उनकी फिल्म में रिव्यू करते करते हमारा छत्तीस साल का हो गया है। अब मत बोलना तुम्हारे पास क्रेडेंशियल क्या है। हाँ, हमारे पास ये क्रेडेंशियल है, अगर किसी ने चार फिल्में की है ना तो हमने 34 रिव्यू की है। चार चवन्नी घोड़े पे। तो भाई वो गोली मारता है अपने हाथ पे, ठीक है, और बंदूक दे देता है अमरीश पुरी को। बलराज सिंह साले हराम घोर मेरे साथ गेम खेलता है। इतने में गार्ड्स आ जाते हैं, जैसी गोली चलाता है वो जाके लगती है इधर शीशे में, और गार्ड भाई भून देते एकदम, वो वासेपुर टाइप भूना है उसे फुल, तुम पूरा गया। हाँ, और तब एंड में उनका एक डायलॉग आता है जिससे फिल्म खत्म होती है, अच्छा इंटरव्यू था वो। सो हियर आर द थ्री थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म। फर्स्ट, द प्लॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उस वक्त देख के ऐसा लगता था और उस वक्त के आज भी देख के ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही बढ़िया प्लॉट है। आपके अंदर वो भावना तो जगा देता है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। एग्जैक्टली। सेकंड थिंग जो हम हमेशा बोलते हैं, जिसके लिए पहले भी जाते हैं, ये परफॉर्मेंसेस वर गुड, बट इसमें एक्चुअली दे वर गुड। थर्ड थिंग वी लाइक इज कि कुछ गाने उनकी शूटिंग में, सिर्फ गानों की नहीं फिल्म में भी कुछ कुछ चीज़ भाई थी। वो गाना बहुत बड़ा हिट था, शका लगा बेबी भी, और बाद में एक जो किया ना जैसे मटके वटके किए हैं, तो वो जो आर्ट दिखाया है, समझ रहे हो, आर्ट वर्क जो है और जिस तरीके से गाने को कोरियोग्राफ किया गया, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं, और 2001 की फिल्म है तो उस हिसाब से तो गजब। एंड हियर आर द थ्री थिंग्स वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म। डिस्पाइट द फिल्म बीइंग 3 आवर लॉन्ग, कुछ कुछ चीजें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। एक टाइम लैप्स में वो सीएम बन गए, एक टाइम लैप्स में मुंबई का विकास हो गया, एक टाइम लैप्स में कहानी आगे भाग गई, ये थोड़ा सा अजीब लगा। सेकंड थिंग दैट वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म इज दैट कि फिल्म में कोई ग्रे शेड्स नहीं है। हाँ। फिल्म में सब व्हाइट एंड ब्लैक है, जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, बीच में कुछ है ये नहीं। एंड द थर्ड थिंग दैट वी डिड नॉट लाइक वाज द वे द फिल्म वाज शॉट। बहुत ही अजीब से डच एंगल्स लिए गए हैं उसमें, बहुत ही स्ट्रेंज सा कैमरा वर्क है, कैमरा यूं जा रहा है सांप की तरह। Anyway guys, so this was the two of us on All Famous Honest Reviews. इस हफ्ते राजेश नहीं था, he will be back next week, तो परेशान मत होइए। तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेंस एक्सपी को, और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करनी है तो वो भी अब हम करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि हम आपके पोल्स जो हम कराते रहते हैं उसमें हमने रिजल्ट देखे, आपके ओपिनियंस देखे, कमेंट में हम पढ़ते रहते हैं, आप हमेशा डिमांड करते रहते हो कि भाई एनीमे मूवी रिव्यू कर दो, मूवी रिव्यू कर दो, अलग अलग कर दो। तो अब क्या होता है हमेशा कि हम हफ्ते का एक रिव्यू करते हैं, एक नॉस्टैल्जिया करते हैं, और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो भी हम सोच रहे हैं हम करें। और क्योंकि हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जितने में आपकी एक प्लेट चाउमीन आती है ना, जिससे पेट में अजीनोमोटो जाता है, उतने पैसों में आप पूरे महीने की हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, और आपकी डिमांड पे जो आप बोलोगे वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा ये बात क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए कि हम जो एग्जिस्टिंग ऑनेस्ट रिव्यूज करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सैटरडे 11 बजे ऑनेस्ट रिव्यूज आते रहेंगे, नॉस्टैल्जिया वीकली आता रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो अलग कॉन्टेंट है उसके लिए हमने कुछ मेंबरशिप प्लान बनाए हैं, जो आप देखिए, अगर आपको सही लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये एडिशनल है कि थोड़ा और ज्यादा हमें देखना चाहते हो, थोड़े पैसे इधर डाल दो। हाँ, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप कुछ जेन्युइनली नया सीखना चाहते हैं या कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेंस एक्सपी एक्सपीरियंसेस भी शुरू कर रहे हैं, वेयर यू कैन हैव अ चैट, अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड यू कैन लर्न समथिंग न्यू एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। एंड दिस इज नॉट लाइक गिविंग 1500 बक्स टू एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, दिस इज टू एन एक्चुअल एक्सपर्ट। यस, जेन्युइन, और 1500 रुपए मांग भी नहीं रहे। हम 1500 मांग भी नहीं रहे। सो आप यू चेक आउट द लिंक बिलो, देखिए एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, इफ दे सूट यू देन गो एट बाय देम। ये सब करना या ना करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, धन्यवाद। आज पीऊंगा बादाम मिल्क। बादाम मिल्क इधर आ, होल्ड माय बुलेट। और आके सेज पे लेटा, आ भाई काम की बात, नाला खुला, दिमाग बंद, और वही आके गोली पड़ गई उनके। गोली से आदमी सोचे कि चलो मर गया, फिर डबल मर्डर, फिर ऊपर खोपड़ा और कूच दिया उनका।